अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड बॉक्स में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट बीना और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स। नाज़रीन, हर बार की तरह हम इस बार भी मौजूद हैं आपकी खिदमत में बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। आजकल सब चाहते हैं कि जिस तरह से रियल इस्टेट की मार्केट जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है और आने वाले वक्तों में इसका स्कोप भी अच्छा खासा दिखता है, तो सब चाहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या कमर्शियल हो। तो उसी तरह से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, वो भी कराची के जो है पॉपुलेटेड एरिया, जो बहुत ही कहते हैं ना एक प्राइम लोकेटेड, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ कराची, जो एक बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ की आबादी भी अच्छी खासी है और काफ़ी कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज हम बात करेंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है हमारे रियल इस्टेट एक्सपर्ट मिस्टर रुज़ैफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सर, तो हम स्टार्ट करते हैं ओमेगा के हवाले से। आप ज़रा बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट किन का है, इनके बिल्डर कौन है, और ज़रा ये भी बताइएगा कि इनके इस बिल्डर के कोई पास्ट प्रोजेक्ट रह चुके हैं, कोई कामयाब प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल, ओमेगा मॉल सुनहरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। इनके ऑनर का नाम है जुनैद तालू एंड हनीफ अब्दानी। इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं ओमेगा हाइट्स, ओमेगा रेजिडेंशिया, ओमेगा व्यू, और इस टाइम पे इन्होंने रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है एयरपोर्ट के ऊपर, जिना एवेन्यू पे, ओमेगा मॉल के नाम से, जो इनका प्रोजेक्ट इन प्रोसेस है। अच्छा सर, ये इसकी लोकेशन की ज़रा ब्रीफिंग दीजिएगा। जी बिल्कुल, ओमेगा मॉल बेसिकली नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी और दो मिनट चुरंगी के दरमियान मौजूद है। मेन रोड की लोकेशन के ऊपर ये बना हुआ है। 30 लैक्स का रेडियस इसके सराउंडिंग है। अच्छा, और सर बेसिकली क्या ऑफर कर रहे हैं अपने जो शॉप्स गिवन हैं उनकी कैटेगरीज के हवाले से बताएं? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास जो इस टाइम शॉप्स गिवन हैं उसमें 85 स्क्वायर फीट से लेके 350 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स अवेलेबल हैं। बीच में डिफरेंट साइज़ की शॉप्स हैं इसके अंदर। सही, और इनकी पेमेंट प्लान के हवाले से बताइएगा कि बुकिंग कहाँ से स्टार्ट है और इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर कोई प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, इसके अंदर 2 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान दे रहे हैं। ऑन बुकिंग 30% है, रिमेनिंग हमारा जो 70% पेमेंट प्लान है वो फ्लेक्सिबल है। अब आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से 2 ईयर्स के अंदर पे कर सकते हैं। सही, और डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे कहाँ तक पहुँच चुका है? डेवलपमेंट हमारा 70% काम डेवलप हो गया है। ग्रेस स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्डिंग हमारी कम्प्लीट है। 30% ओनली फिनिशिंग का काम बाकी है, जो तेज़ी से चल रहा है। सही, और तो अब तक अगर आपके पास जैसे कोई क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको ऑन साइट विजिट भी करवाते हैं? जी बिल्कुल, हम उनको ऑन साइट विजिट करवाते हैं, उनको एक प्रॉपर गाइड करते हैं, हर चीज़ की हम उनको प्रॉपर डिटेल देते हैं। अच्छा, जैसे मैं अगर एज ए क्लाइंट आपके पास आती हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट तो करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे कि आपने बताया डिफरेंट कैटेगरीज़ के वहाँ पे आपको शॉप्स अवेलेबल हैं, तो उस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्या आप क्लाइंट को ये गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं कि जो उनके जो नीड्स हैं उस हवाले से आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब आप प्रॉपर आपकी सजेशंस होती है आपकी तरफ से शॉप्स के हवाले से कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपको किस उसमें जाना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें देखें, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, तो हम सबसे पहले उनसे उनका बजट पूछते हैं, ठीक है, और उनसे फिर ये पूछते हैं कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है आगे, एक प्लान होता है हर इंसान का कि मैं इस प्लान इस फ्लोर के ऊपर इतनी बड़ी शॉप लेना चाहता हूँ, तो उनके बजट के अकॉर्डिंग हम उनसे उनको डील करते हैं। जिस तरीके का उनका बजट होता है उसके मुताबिक हम उनको उस फ्लोर के ऊपर शॉप देते हैं। सही, और क्या एमिनिटीज़ क्या प्रोवाइड किए हैं यहाँ के बिल्डर ने अगर आपके क्लाइंट के लिए, उनको क्या बेनिफिट है यहाँ से? बेनिफिट इस टाइम पे अगर देखें तो इन फ्यूचर बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ये बनने जा रहा है। इस टाइम के ऊपर बेनिफिट बिल्डर की तरफ से ये है कि पेमेंट प्लान हमारा फ्लेक्सिबल है। 2 ईयर्स का जो पेमेंट प्लान है उसको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, और इन फ्यूचर बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। अभी करंट मार्केट जो वैल्यू चल रही है उनकी, तो उस हिसाब से आपका क्या, आपकी क्या राय है?
कि सही टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने का? बिल्कुल सही टाइम इन्वेस्टमेंट करने का वही होता है जब प्रोजेक्ट आपका कंटिन्यू हो, इन प्रोसेस हो, काम जारी हो, उसका उस वही टाइम होता है सही इन्वेस्टमेंट करने का। रिसेंटली जिन लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी वो इस टाइम के ऊपर 40-60% ऑन के ऊपर खड़े हुए हैं। बिल्कुल अभी भी हमारे पास 2 ईयर्स हैं पोजिशन, हम 2022 के दिसंबर के अंदर देंगे। 2 ईयर्स का अभी भी हमारे पास प्लान है, जब मॉल स्टार्ट हो जाएगा तो जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं वो 2 ईयर्स बाद भी 40-60% के ऊपर, परसेंट के प्रॉफिट के ऊपर खड़े हुए होंगे। अच्छा, सही है। जहाँ पर ये जिस लोकेशन पे ये मौजूद है आपका प्रोजेक्ट, जो बिल्डर है इनका प्रोजेक्ट, तो आसपास कोई सराउंडिंग में कोई ऐसी जगह या कि इनका कोई कॉम्पिटिटर वहाँ पे अवेलेबल है? जी नहीं, इस टाइम पे इनका सराउंडिंग में अगर हम देखें तो 10-15 किलोमीटर्स तक ना तो वहाँ पे कोई मॉल है और ना ही कोई मार्केट है और ना ही इनके सराउंडिंग में कोई इनका कॉम्पिटिटर है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। अच्छा, मतलब जो जीरो से अपना यहाँ पे स्टार्ट लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे वो अपनी एक फेस रिकॉग्नाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रज़ैफ़ कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने कीमती राय से हमें आगाह किया। तो नाज़रीन, ये थी कुछ डिटेल्स ओमेगा के हवाले से। मज़ीद आप जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और तमाम डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो इस हवाले से भी आप बिला झिझक हमसे रब्ता कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।